हेलो एवरीवन, दिस इज भारत जैन फ्रॉम पटाकू डॉट कॉम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द सुपर 100 एग्जाम। या तो यार, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा सुपर 100 एग्जाम के बारे में जानेंगे कि आपका सुपर 100 एग्जाम होता क्या है, सुपर 100 एग्जाम का जो लेवल 1 का एग्जाम है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, यानी कि हाउ वी डू प्रिपेयर फॉर सुपर 100 लेवल 1 एग्जाम। हम खुद को लेवल 1 एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या हम पढ़े कि हमारा लेवल 1 एग्जाम एक झटके में ही क्लियर हो जाए, या हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि हम लेवल 1 क्लियर कर जाएंगे, तो ये क्या और कैसे कह सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। फॉर मोर अपडेट्स विजिट ऑन padhaku.com। ओके, सो यार, आज के इस वीडियो में हमारा मेन मकसद रहने वाला है सुपर 100 एग्जाम को एक्सप्लोर करना, जो कि सुपर 100 लेवल 1 है। मेनली सुपर 100 लेवल 1, इसको आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जितना भी मेरे को इसके बारे में पता है, या मैं पिछले तीन सालों से इसके बारे में जानता हूं, वो मैं आज आपके सामने एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। ओके, सो प्लीज आप कोई भी चीज को अवॉइड ना करें। जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें कहां कहां पे यूज करनी है। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले यार, आपको जो सुपर 100 एग्जाम की उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन यही आता है, प्रिपेरेशन। तो प्रिपेरेशन करने से पहले आपको, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए प्रिपेरेशन के लिए, सिलेबस, एक लिमिटेड सिलेबस पता होना चाहिए, ताकि आप उस सिलेबस से ओरिएंटेड आप अपनी प्रिपेरेशन कर सको। उसके बाद में आप अपनी प्रिपेरेशन सिलेबस के अनुसार करोगे, फिर आप जो मेरे द्वारा हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उन मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। ओके, ये आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं। दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन मॉक टेस्ट ही आपका वो टेस्ट होगा जो आपको बताएगा कि आप कितना आपका सिलेबस कवर हो चुका है। ओके, उसके बाद में जब आपका सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए, फिर आप एनालाइज कीजिए कि आपकी मिस्टेक कहां पे हुई है। एनालाइज योर मिस्टेक्स, आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज कीजिए कि हमने कहां पे क्या गलती की। ओके, ये तो थी प्रिपरेशन की थोड़ी बहुत बातें। इसके बाद मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि आप जल्द से जल्द सुपर 100 कैसे क्रैक करें, बट वीडियो के लास्ट में या बीच में, वीडियो को पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। ये थोड़ा सा सस्पेंस आपके लिए। उसके बाद में जब आप सिलेबस, मॉक टेस्ट एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। 2018, 19, 20, 21 चारों सालों के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फटाफट जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए और वहां से आप अपना इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप 2018, 19, 20, 21 का पेपर पैटर्न देखोगे, तो आप खुद ही क्या करोगे, पेपर पैटर्न आपको पता चल जाएगा, प्लस आपको सिलेबस पता चल जाएगा क्या क्या आपके लिए फायदे होने वाले हैं। देखिए, प्लस आप मॉक टेस्ट की बजाय इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। प्लस आप फिर उनकी, उन तीनों की जो आपने मिस्टेक करते जा रहे हो, उसको आप एनालाइज भी यहां पे कर पाओगे। प्लस इसके साथ साथ आपको आपका स्कोर पता चलेगा कि हम इतना स्कोर इसमें कर सकते हैं, जितना भी 100 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, या वन कर रहे हैं आप मार्क्स, ऐसे आपको आपका सारा ओरिएंटेशन पता चलेगा, नेगेटिव मार्किंग सब आपको पता चलेगा। तो यानी कि सबसे मेन आपका है पेपर पैटर्न के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस से आपका इतना पोर्शन कवर होगा, जो कि इन सभी की बजाय सबसे ज्यादा ओरिएंटेड है आपके लिए। इस पे आप फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे।
अब यार आपको कहे भैया आप हमें ये बताइए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लेंगे, हम सिलेबस भी कर लेंगे, क्या हमारा पेपर पास हो जाएगा या हम पास आउट कर लेंगे? तो ये थोड़ी प्रो टिप्स होती है यार, ये प्रो टिप्स आपको वीडियो को लास्ट में दी जाएगी कि आपको किस तरह से कहाँ पे किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है ताकि आपका ये सुपर एंडेड एग्जाम है ये यूं एक झटके में क्रैक हो जाए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरे बारे में क्या, हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ ताकि आप जब मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ तो आपको मेरे पे कम से कम भरोसा हो जाए भी भैया जो बताएंगे वो सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले यार मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप मेरे को जानते ही होंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को जानते ही होंगे यार, ओके। तो ये तो था मेरा नाम यानी कि myself arjun from pataku.com, ओके। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं मेरे बारे में। 2018 में मैंने सुपर 100 एग्जाम दिया, उस एग्जाम में फर्स्ट रैंक इन हरियाणा यानी कि पूरे हरियाणा में मैं टॉप रहा। उसके बाद में जो टेंथ और उनकी थोड़ी सी परसेंटेज के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। टेंथ में थे 93.8%, 84, एंड ट्वेल्थ में थे 95.2%। इसमें थे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मैथ, 99 इन मैथ, ओके। तो ये तो था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा बच्चों की तरफ ओरिएंटेड करता हूँ। मैंने यार पिछले साल जो आपकी जो रैंक आई थी, रैंक 1 और 2 दोनों ही हमारे स्टूडेंट थे, बैच नंबर 2022 का कह लीजिए आप उसको, 2021 बैच का था वो, वैसे तो 21 ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट इसमें और भी रैंक आई थी, बट जो मेन फोकस वाली रैंक है जो वन डिजिट में रैंक है वो 1 और 2 ही थी। उसके बाद में शायद 13 थी एक रैंक, एक 21 थी, ऐसे करके बहुत रैंक थी। ओवरऑल हमारे हमारे पास थे 92 बच्चे जिसमें से 86 प्लस सिलेक्शन हुए थे हमारे 2021 में। उसके बाद में थोड़ा सा और देखिए 2020 के बारे में बता देते हैं। रैंक 5, 4, 3, इसके बाद में 8, 9, 12 एंड सो ऑन, बहुत रैंक थी। इस बैच में हमारे पास 102 बच्चे थे जिसमें से हमने 81 प्लस सिलेक्शन लिए थे। इस टाइम हमारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था, एक्सप्लोर कम था, क्योंकि हमने ढंग से एनालाइज नहीं किया कहीं पे हमारी कमी रही होगी या कहीं पे स्टूडेंट्स की कमी रही होगी। इसमें हमारा मेन फोकस रहा था हमारी बुक पे, बुक के कारण बच्चों का बहुत सिलेक्शन हुआ है। अब आपको भैया बुक कौन सी, विज्ञान त्रिवेणी, आप सभी ने कईयों ने परचेज भी की होगी और कईयों को फ्री में मिली होगी। अब ये बुक कई दिन के लिए आपको सेल नहीं की जाएगी, आपको ये बुक विद इन 1 वीक आपको ये बुक अवेलेबल मिलेगी मार्केट में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप अवेलेबल डाउनलोड कर सकते हैं, बट ओनली इन पीडीएफ फॉर्म, नॉट इन हार्ड कॉपी, ओके। सो उसके बाद में ऐसे था और भी चलते रहेंगे यार, इन पे बात ना करते हुए। अब देखिए हमने इतनी प्लस रैंक प्रोड्यूस की है कि आप अब हम पे विश्वास करने जा सकते हो या विश्वास कर सकते हो। देखिएगा रैंक 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 ऐसे करके बहुत रैंक निकाली गई है इसी पढ़ाकू के यूट्यूब चैनल से। पहले इसका नाम स्टडी मोड ऑन ऑफिशियल था, कई बच्चे जानते होंगे, अब इसका नाम बदल के पढ़ाकू कर दिया है, जो कि अब एक नई ब्रांड बनने जा रही है, ओके। अब थोड़ा सा आपको मैं टॉपिक से डेविएट करना चाहूंगा और मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। सिलेबस का मतलब भी आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक आउट कर सकते हैं, ओके। तो यार ये आपके लिए बिल्कुल फ्री चल रहा है, आपको कोई भी यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा कि आप यहाँ पे वीडियो देखें या ना देखें, बट आप जो भी देखें वो ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा वीडियो। अब बात करते हैं प्रो टिप्स के बारे में या आपको सिलेबस के बारे में। प्रो टिप्स क्या है आपके लिए,
कि आप सुपर 100 एग्जाम को पहले ही झटके में क्रैक कर पाएंगे। कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, भैया आप बताइए आपने कैसे किया, पिछले साल बच्चों ने कैसे किया, हम कैसे करेंगे। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको प्रो टिप से मिल जाएगा, कैसे देखिए। हाँ, एक लास्ट वीडियो भी, एक लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर द सुपर 100 एग्जाम इन लास्ट 2 days ओनली। 2 दिन में सुपर 100 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे हुए या कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप करता हूं कि आप वो भी वीडियो बड़ी आराम से देखेंगे। प्रो टिप्स के बारे में सुनिए यार। एक तो आपको जो सिलेबस है, सिलेबस सारा नहीं करना। आपको हार्डवर्क नहीं करना, हार्डवर्क लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म वाला हार्डवर्क नहीं करना आपको, करना है स्मार्ट वर्क वाला हार्डवर्क। आपको ये इस चीज पे ध्यान देना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क। स्मार्ट वर्क पे आप हार्डवर्क कीजिए, ओके। अब कहोगे स्मार्ट वर्क का मतलब, अभी बताता हूं। जो टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा, टॉपिक्स जो भी आपको बताए जाएंगे, उन टॉपिक्स को आप 101% कर लीजिए, वो टॉपिक आपको पेपर में मिलेंगे। प्लस इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए यार, या मॉक टेस्ट। ये दोनों अटेम्प्ट करने से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस पड़ाव में आने के लिए। ये तो था थोड़ा सा आपको, जैसे आपने मान लीजिए आप अगर 70 अगर आप पहले बिना पढ़े, आप जैसे आपका सारा सिलेबस कवर हुआ हुआ था, तो आपके मार्क्स आए, फिर भी आपके मार्क्स आए 40 out of 100 मार्क के चलते हैं। बट अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, केवल आप उन टॉपिक पे मेहनत करोगे, प्लस आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस मॉक टेस्ट भी करोगे, क्योंकि आपके टाइम की बचत होगी। एक तो आपने कम टाइम में सिलेबस भी किया, पेपर भी कर लिया, प्लस आपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया, और उतने ही टाइम में कोई एक बच्चा है जिसने पूरा सिलेबस पढ़ पाया, तो नंबर किससे ज्यादा आएंगे, जिसने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट प्लस सिलेबस कवर किया है। सिलेबस कौन सा, जो रैंडम टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अटेम्प्ट किए हैं, उसके मार्क्स आएंगे। तो आप यहां से 40 से कम 75 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। ये तो आपका प्रो टिप्स नंबर थी 1, कि आपको सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, जो कि आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा, ओके। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे, ओके। अब सिलेबस के बाद में एक और प्रो टिप्स है, लास्ट एंड फाइनल प्रो टिप है ये आप सभी बच्चों के लिए। देखिएगा यार, एक जैसे हम पढ़ते थे तब क्या करते थे, ग्रुप स्टडीज, ओके। ग्रुप स्टडीज में क्या कीजिए, डाउट्स लीजिए अपने। ऐसे नहीं भी हम टॉपिक ग्रुप्स में पढ़े, नहीं, ग्रुप स्टडी का मतलब केवल डाउट सॉल्विंग रखें। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते, मैं भी नहीं पूछ सकता, आप भी नहीं पूछ सकते होंगे, या पूछ भी ले होंगे तो भी आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता भी हमने ये कैसे किया, या आप टीचर से बहस नहीं कर सकते। बट अगर आप उसी डाउट को अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप सर्कल में, अपने फ्रेंड के सर्कल में पूछोगे, तो आप बहस कर पाओगे, आप उस क्वेश्चन पे अपना जितना दिमाग का बोल लगाओ, दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो उस पे लगाएगा, तीसरा उस पे लगाएगा, चौथा उस पे, तो वो सारा जो मेटेरियल आपको एक जगह मिलेगा, सभी बच्चों का दिमाग आपको एक जगह मिलेगा, तो वो आपके लिए फायदा हुआ। ग्रुप स्टडीज का यही फायदा है कि आपके जो डाउट्स है वो फिर कभी डाउट्स नहीं रहेंगे, डाउट्स है वो सॉल्व होंगे, प्लस वो कभी भी डाउट नहीं रहेंगे, इवन वो आपको लाइफ टाइम तक भी याद रहेंगे, क्योंकि बहस की हुई चीज कभी भूली नहीं जाती, या फिर लड़ाई कभी भूली नहीं जाती, जो भलाई की जाती है वो भूल जाते हैं, लड़ाई कभी नहीं भूलते। हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है तो वो नहीं भूलेंगे, बट ये हमारा दोस्त है, भूल भी सकते हैं अगर वो हमारे पास 10 साल नहीं रहा तो। बट सिमिलरली आप यहां पे कह सकते हैं, अगर हमने उस डाउट को डाउट की तरह अपने टीचर से ट्रीट किया, तो हम अफकोर्स पेपर में उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, बट आपको आगे जब काम आएगा तब आप इसको भूल जाओगे, तो वो तभी याद रहेगा जब आपको उस पे बहस होगी आपकी, उस क्वेश्चन पे बहस कीजिए, उसके आंसर को ढूंढने में बहस कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ग्रुप स्टडीज में आपके डाउट सॉल्विंग कर लीजिए, प्लस आप ग्रुप स्टडी में ऐसे कर लीजिए, जो हमारी पढ़ाकू वेबसाइट है
Pataku.com में अब क्या चल रहा है आपको मैं बता देता हूँ। अभी जस्ट एक मॉक टेस्ट का फीचर आने वाला है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। मॉक टेस्ट वहां पे अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा आपको, मॉक टेस्ट आप ऐसे कीजिए, एक बार एक जैसे मॉक टेस्ट क्रिएट होता है वेबसाइट पे, आप जितने भी फ्रेंड सर्कल सभी उसको अटेम्प्ट कीजिए। जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको कहिए भी जो हमारा गलत हुआ है वो हमें समझाए, तो वो आपका आगे गलत नहीं होगा। या आपका वहां से आप अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जा रहे हो तो आपकी स्कोरिंग ऊपर बढ़ेगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही आएगी, तो ये आपका भी यहाँ पे फायदा रहने वाला है। तो ये थी दो प्रो टिप्स जो आप अगर फॉलो करोगे, कौन कौन सी, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, इवन देन हार्ड वर्क, प्लस आपको ग्रुप स्टडी में डाउट लेने, ऐसे नहीं भी सारा टॉपिक ग्रुप स्टडी में पड़े, केवल डाउट। ग्रुप स्टडी में कभी भी पूरा टॉपिक नहीं होता, केवल डाउट होते हैं। ओके, तो ये थे कुछ आपके प्रो टिप्स और आपको सुपर हंड्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए लेवल वन के लिए। बाकी आपको फर्दर वीडियोस में बताया जाएगा कि सुपर हंड्रेड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, कि आप वो टॉपिक करें या ये सिलेबस करें, तो आपका पूरा सुपर हंड्रेड एग्जाम यू क्रैक हो जाएगा। सो फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड गेट नोटिफाइड अर्लियर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज के लिए बस इतना ही यार। ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।